कुदरत का खजाना अनमोल और असीमित है। इसमें अनेक प्रकार के चमत्कारिक और दिव्य जड़ी बूटियाँ उत्पन्न होती है, जिसकी ज़्यादातर लोगों को पहचान नहीं होती या इसके गुणों को नहीं जानते। दूधी भी इसमें से एक ऐसा ही पौधा है जो छोटा सा एक सूप होता है और ये कई प्रकार की बीमारियों को दूर करने की एक रामबाण जड़ी बूटी है। दोस्तों, ये दूधी भारत में लगभग सभी प्रांतों में सड़कों के किनारों पर तथा बेकार पड़ी भूमि में उत्पन्न होती है। ये खेतों में खरपतवार के रूप में पाई जाती है। दोस्तों, दूधी की दो से तीन प्रजातियां पाई जाती है, एक छोटी और दूसरी बड़ी। दोनों का गुणधर्म लगभग एक समान ही होता है। वीडियो की स्क्रीन पर जो आप ये पौधा देख रहे हैं, ये बड़ी दूधी का पौधा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल मुफ्त होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, इस पौधे की किसी भी शाखा को तोड़ने पर दूध निकलता है। हिंदी में दूधी, दुग्धी और बड़ी दूधी से जानते हैं। इसका अंग्रेजी नाम थाइम लिव्ड स्पर्म और वैज्ञानिक नाम यूफेर्बिया हिर्टा है। दोस्तों, ये पौधा अनेक प्रकार के औषधीय गुणों से भरपूर होता है। ये बड़ी दूधी स्वाद में कटु, तिक्त, मधुर, गर्म प्रकृति की और पचने में भारी होती है। इसके अलावा ये कोष्ठ, कृमि, जहर, व्रण और प्रमेह तथा दस्त का नाश करती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों, इस पौधे के दूध को माथे पर लगाने से सिर दर्द तुरंत मिटता है। ये पौधा दांतों के दर्द में भी बहुत फायदेमंद होता है। अगर दांतों में दर्द की समस्या रहती है तो दूधी के मूल को साफ पानी से लेकर चबाए और कुछ समय तक मुंह में रखें, इससे दांतों का दर्द दूर होता है। दोस्तों, ये पौधा स्त्रियों में होने वाला श्वेत प्रदर यानी सफ़ेद पानी की समस्या में बहुत लाभकारी होता है। श्वेत प्रदर की समस्या में दूधी का 1 से 2 ग्राम पत्रों का कल्क बनाएं और इसे शहद में मिलाकर पिलाएं। कम से कम 3 से 4 दिनों तक ये प्रयोग करने से सफ़ेद पानी की समस्या मिट जाती है। दोस्तों, ये पौधा दिखने में तो बहुत छोटा होता है, लेकिन इसके फायदे जानकर आप चौंक जाएंगे। ये पौधा काम शक्ति को भी बढ़ाता है। जिन लोगों की काम शक्ति कमज़ोर हो गई हो, क्षीण हो गई हो, ऐसे लोगों को ये दूधी किसी वरदान से कम नहीं। इसका प्रयोग ही बिल्कुल सरल और आसान है। इसके लिए पूरी दूधी का पौधा जड़ सहित उखाड़ लाए और साफ पानी से धोकर साव में सुखा ले। अब इस चूर्ण को रोजाना 1 से 2 ग्राम की मात्रा में लेकर शर्करा या मिश्री के साथ मिलाकर रोजाना खाएं और ऊपर दूध पिए, इससे काम शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है। यही नहीं दोस्तों, ये त्वचा रोगों में भी बहुत फायदेमंद होती है। दोस्तों, शरीर में अगर किसी भी जगह दाद हो गया हो तो दूधी के पत्तों का रस निकाल कर उस स्थान पर लगाएं। इस प्रयोग से शीघ्र ही दाद दूर हो जाते हैं। इसके अलावा दूधी का दूध निकाल कर चेहरे पर लगाने से चेहरे पर के कील मुहासे नष्ट होते हैं और दाद में भी बहुत फायदा होता है।